था। इस हमले ने बीते एक साल में मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख डाली। हमास से बदले की कार्रवाई के लिए इसराइल ने जो जंग छेड़ी थी वो अब महज हमास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसराइल के चारों तरफ दुश्मनों का घेरा बन गया है। इसराइल गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुती विद्रोहियों का सामना तो कर ही रहा था, लेकिन अब इस लड़ाई में ईरान की भी एंट्री हो गई है। लेकिन चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इसराइल अकेले सीना तान कर मजबूती से लड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसराइल का सुरक्षा कवच। ईरान के हमले के बाद इसराइल के आयरन डोम सिस्टम का ताकत तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन इसराइल सिर्फ उस आयरन डोम सिस्टम के भरोसे नहीं है। इसराइल ने अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्लान बी भी तैयार किया है। इसराइल ने बॉम्ब शेल्टर्स नाम का सिस्टम बनाया है। ऐसे घर हैं जिन पर हवाई हमलों और बमबारी का कोई असर नहीं होता। इसराइल में हर नए मकान में बॉम्ब शेल्टर बनाना अनिवार्य है। बॉम्ब शेल्टर नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इसराइल के 65% से ज्यादा लोगों के घरों में या आसपास बम शेल्टर मौजूद हैं। दरअसल ये शेल्टर मजबूत कंक्रीट से बने होते हैं जिसमें भारी धातु के दरवाजे होते हैं। ये मिसाइल हमलों से होने वाले विस्फोट और छर्रे को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग में बने ये शेल्टर इस तरह से बने होते हैं कि अगर बिल्डिंग गिर भी जाए तो भी ये शेल्टर खड़ा रहेगा। इन शेल्टरों में अंडरग्राउंड सुविधाएं जैसे बाथरूम, किचन, शावर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होते हैं। ऐसे ही इसराइल ने हवाई हमलों से बचने के लिए भी कई और तरह की खास तैयारी की है। इसराइल के पास मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम, तितल और डेविड स्लिंग मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकता है। ये सिस्टम तुरंत हवाई खतरों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। यही नहीं, इजरायली सेना अपने नागरिकों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हवाई हमलों से निपटने की प्रैक्टिस कराती है। इसराइल अपनी साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देता है। हाल ही में ईरान के इसराइल पर हुए हमले में आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा। आपको ये भी बताते हैं कि कैसे काम करता है ये आयरन डोम। आयरन डोम इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। छोटी मध्यम दूरी की मिसाइलों को मार गिराने में कारगर है। दुश्मन की ओर से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही रोक देता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। इसराइल का ये बेहद अहम आयरन डोम सिस्टम पहले दुश्मन की ओर से आने वाले मिसाइल या रॉकेट को ट्रैक करता है। ये सिस्टम पता लगाता है कि मिसाइलें कैसे और कहां से आ रही हैं। कंट्रोल सेंटर कैलकुलेट करता है कि ये मिसाइल किस इलाके में गिरेगी और फिर सिग्नल आगे भेजता है। जैसे ही कंट्रोल सेंटर सिग्नल भेजता है तो मिसाइल फायरिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर होती है, जो दुश्मन की तरह से आ रही मिसाइल या रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। यानी इसराइल की ये तमाम तैयारियां बताती हैं कि इसके लिए उसके नागरिकों की सुरक्षा कितनी अहम है और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे रहने के बाद भी वो कैसे सीना तान कर खड़ा है।